Myself Suryakant. I have done my graduation from Mumbai University from BCom. I have joined earlier in the year 2007. I have joined the service sector, like the Merck's corporations. In that field, I joined as a associate over there. That was my back office experience. और वहाँ पे मुझे एक्चुअली कैसा कि जो बैकएंड में जो भी होता था शिपिंग रिलेटेड, वहाँ पे एक्सपीरियंस में मतलब गेन किया कि कैसा होता है बैकएंड में काम और कैसे मतलब सर्विस इंडस्ट्री रन होती है. उसके बाद मैं ज्वाइन किया फाइजो में. सो आई हैव ज्वाइन इन फाइजो इन द ईयर 2015 एंड आफ्टर दैट वहाँ पे भी मैं ज्वाइन करने के बाद वैसे चल रहा था कि मतलब जैसे कि बैकएंड वाला ही काम कर रहा था और मतलब काफ़ी टाइम से वही चल रहा था. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब कितने दिन चलेगा और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो मुझे थोड़ा लगा कि मतलब कि कुछ तो अलग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे हमने मार्केट चल रहा है और अपना जो कंपटीशन है उसके हिसाब से फिर कैसा है ना कि अपने को कुछ तो एडिशनल गेन नॉलेज होना चाहिए तो ही हम लोग मार्केट में टिक पाएंगे. तो मैं मतलब ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी देखे. फिर मुझे कम टू नो कि मुझे डेटा एनालिस्ट के बारे में मालूम पड़ा और एक्चुअली मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट ही काम कर रहा हूँ. तो वहाँ पे मेरा जो डे टू डे वर्क है एक्सेल रिलेटेड होता है, फिर पावर बीआई रिलेटेड होता है, फिर उसके बाद नए नए फॉर्मूले एक्सेल में कैसे बनाना है या फिर मैक्रोस कैसे करना है उसके रिलेटेड ही मेरा काम ऑफ टॉप होता है. तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया कि मुझे ये सब चीज़ें और सीखनी चाहिए और डीप में जाना चाहिए. तो मैं एवरी डे मतलब यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए जो मैं कर सकूँ और मुझे डेटा एनालिस्ट के लिए और थोड़ा मैं मतलब ग्रो कर सकूँ और आगे जाके मैं इस फील्ड में और मतलब डीपली अंदर जाके सीख सकूँ. तो इसके हिसाब से मैं सर्च कर रहा था. तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे इंस्टीट्यूट्स भी जो बड़े बड़े हैं और उनकी फीस भी मतलब काफ़ी बड़ी थी, जो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा लगी और उनका जो मतलब पता नहीं मतलब वो लोग भी सेम ही स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रहे जो हम लोग अभी कर रहे हैं. तो मैं बोला कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर मतलब कुछ मिले नहीं मिले पता नहीं, तो मुझे इंडस्ट्रियल हेल्पिंग हैंड्स जो है उसके बारे में पता चला. तो मैंने स्वाति मैडम के वीडियोस यूट्यूब पे चेक करना चालू किया, मतलब लाइव उनके जो वीडियोस आते थे वो मतलब देखने चालू किए. फिर उनका पाइथन रिलेटेड भी मैंने वीडियोस काफ़ी सारे देखे हैं. तो मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने जो जिस तरह से डीपली सिखाया है उन्होंने और जिस तरह से मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया तो उसके हिसाब से मैं मतलब गो थ्रू करने लगा. तो मुझे लगा कि अभी ये तो मतलब थोड़ा मतलब उन्होंने जो बताया उसमें तो शायद बेसिक लेवल से है मतलब जो, तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ों में और अंदर मतलब डीपली घुसना चाहिए. तो मैं इस साइट पे चला गया इंडस्ट्रियल हेल्पिंग हैंड्स के और मैं फिर आपके सर्विस कस्टमर सर्विस जो आपका है मतलब जो सपोर्ट सर्विस सपोर्ट वाले उनसे कॉन्टेक्ट करना चालू किया. तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा कोर्स भी है जो मैं आपसे ग्रैब कर सकता हूँ और उसके थ्रू मैं और डीप नॉलेज ले सकता हूँ और डेटा एनालिस्ट में और मतलब नॉलेज गेन कर सकता हूँ. तो मैंने कांटेक्ट किया और मुझे सब चीज़ें मतलब अच्छी लगी, आपका जो जिस तरह से आपका सिस्टम चल रहा है और एप्लीकेशंस है वे आपने अभी नया वेब सर्विस चालू किया है तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी और मुझे मतलब इंटरेस्ट लगा कि मतलब जो आपका जो सिखाने का तरीका था दैट आई लाइक इट मोस्ट, कि उन्होंने जिस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर किए मेरे और जिस तरह से अभी तक चालू लेक्चर्स मेरे जितने हुए उसमें मुझे अच्छा लगा बात करके या फिर जिस तरह से उन्होंने अपना मतलब डिटेल्स उनके साथ मेरे साथ शेयर की वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी. तो मैं फिर और उसमें मतलब इन्वॉल्व होने लगा और फिर मैं इंडस्ट्रियल हेल्पिंग हैंड्स के साइट पे जाके उन्होंने मैं कोर्स में इन्रोल किया और अभी मैं ज्वाइन किया. इट इज़ एट द मतलब अभी जो अभी तक जो मैंने चालू किया है उनका मतलब एक एक कोर्स गो थ्रू करना तो अभी तक तो एक्सपीरियंस उनका अच्छा ही है, मतलब अभी तक तो मुझे कुछ इशू नहीं हुआ. और जैसे कि स्वाति मैडम के जो एवरी वीकेंड में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं या फिर कुछ भी मुझे सपोर्ट चाहिए रहेगा जो आपका सपोर्ट सर्विस है वो भी अच्छा है कि मुझे प्रॉपरली मतलब गाइड करता है क्या नहीं मतलब किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानना हो या फिर कुछ भी इशू आया था है तो वो भी अच्छा से हेल्प कर लेता है. और स्वाति मैडम को वीकेंड में तो हम लोग डाउट क्लियर कर ही लेते हैं तो वो भी अच्छा लगा मुझे अभी तक का. और जिस तरह से उन्होंने अभी तक चालू किया ना मतलब जो अभी मेरे
तीसरा यूनिट चल रहा है मेरा, ऑलमोस्ट खत्म होने है, तो मैं उसके थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मुझे जो मेरी जर्नी चालू हुई है वो अभी तक तो अच्छी हुई है, नो डाउट कि मुझे कुछ अभी तक इशू आया है। फैकल्टी मेंबर्स इन द सेंस स्वाति मैडम तो मुझे पाइथन रिलेटेड मतलब हर एक जो चीज़ें बारीक से बारीक चीज़ें बता रही है और कैसे मुझे आगे जाना है उस मामले में मतलब हेल्प कर रही है कि मतलब क्या मुझे पढ़ना चाहिए और कौन से वीक में क्या करना चाहिए और मतलब कहाँ पे मुझे स्टॉप होना चाहिए और मुझे कैसे असाइनमेंट को क्लियर करना चाहिए, वो मुझे गाइड कर रही है। सेकेंड वन की मुझे निशान सर ने का भी एक बार मुझे मतलब सैटरडे को उनके साथ बात हुई, उन्होंने भी बताया कि एग्जैक्ट क्या मतलब हमारा रूट होगा और किस तरह से हम लोग आगे की जर्नी करने वाले हैं। तो उनका भी मुझे जो जिस तरह से उन्होंने रूट बनाया है ना, मतलब जैसे कि मतलब नॉर्मल बंदा भी मतलब जो नॉन आईटी बैकग्राउंड का है उससे ये मतलब हम लोग कवर कर सके कि उसको भी मतलब इजीली समझ जाए और वो भी वो डेटा एनालिस्ट फील्ड इजीली ग्रैप कर सके, उस लेवल से ये जर्नी हो रही है। तो मुझे अभी तक तो मतलब एक्सपीरियंस इज गुड नाउ, टिल नाउ मतलब कुछ ऐसा इशू नहीं आया है। प्रोजेक्ट्स तो उन्होंने मतलब मुझे जो अभी तक हमारे जितने भी लाइव सेशंस हुए हैं उनमें उन्होंने बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स तो बताए हैं मुझे अभी तक कि जो जो करने हैं हमें आगे जाके, और जिस तरह से मतलब देख रहा हूँ ना मैं कि जो उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट बताया है मुझे, अगर जिस तरह से अगर हम लोग जो अभी जो रूट बनाया हम लोग का जो उन्होंने मतलब जो हमारे साथ प्लान शेयर किया उसके थ्रू अगर हमने मतलब किया ना कवर, तो मुझे लगता है कि 100% वर्क होगा और ये प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली काम आएंगे फ्यूचर्स के लिए। अगर कोई भी अगर नया मतलब एज अ फ्रेशर भी अगर ज्वाइन कर लेता तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट काफ़ी काम आएंगे, टू नो मतलब डेटा एनालिस्ट फील्ड में अच्छे से बनने के लिए और उसको मतलब डेवलप करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। यस एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब कैसा ना कि अभी मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे एक्चुअली कैसा कि मेरा शिफ्ट टाइमिंग जैसे होता है मतलब मेरा पूरा दिन ऑफिस में जाता है मंडे टू फ्राइडे, तो मुझे कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पे आके मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है कि बाबा कुछ काम पेंडिंग रहेगा ऑफिस में जो नहीं हो पाया वो मुझे घर पे आके करना पड़ सकता है, तो ऐसा इस सिचुएशन में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं लाइव सेशन ज्वाइन करूँ या फिर जो जिस दिन में डेट में मुझे बताया गया वो मैं मैनेज कर सकूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब मुझे वो टाइम नहीं मिले। तो ये अच्छा चीज़ है मतलब ये है कि मतलब अगर हम अपने डेट के हिसाब से लाइव मतलब कुछ भी डाउट हो तो हम उनको पूछे और अपना डाउट उस टाइम पे क्लियर हो जाए, तो ये अच्छा मतलब अच्छा क्या बोलते हैं उसको कि अच्छा हाँ, तो ये अच्छा है कि मतलब तुम ऐसा कुछ नया चीज़ डेवलप करो और हम लोग उसमें मतलब ये कर सकें। यस एक्चुअली मैं इस फील्ड में मतलब कैसा है कि मतलब मेरा पहले से मतलब इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन जिस टाइम पे अपना कोरोना जो मतलब हुआ था चालू, कोरोना का जो फेज चालू हुआ था उस टाइम पे मैंने देखा था कि जो मोस्ट ऑफ चीज़ें चल रही थी वो ऑनलाइन चल रही थी और मोस्ट ऑफ कंपनी सब ऑनलाइन ही मतलब परफॉर्म कर रही थी हर एक चीज़ में, वो लोग डेटा से मतलब काम कर रहे थे कि डेटा कलेक्ट कर रहे थे और डेटा थ्रू ही मतलब उन लोग अपना बिजनेस चला रहे थे। तो मुझे मतलब ये मालूम पड़ गया कि मतलब कि आज के डेट में अगर कुछ चीज़ें काम कर रही बिजनेस में तो एक डेटा ही काम कर रहा है, तो मुझे डेटा जानने में और डेटा मतलब ये करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है पहले से ही कि मतलब डेटा कैसे काम करता है और कैसा बिजनेस ग्रो होता है, वो चीज़ें में मुझे अच्छा लगता है देखने के लिए और मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें एनालाइज करने के लिए। और करंट मेरा जो काम में रोल है वो भी डेटा रिलेटेड ही है, मैं बहुत सारा डेटा एवरीडे मतलब एवरीडे मैनेज करते रहता हूँ, तो मुझे थोड़ी मतलब अभी हैबिट हो चुकी है कि डेटा कैसे मैनेज करना है क्या करना है, तो मुझे और इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया है। तो इसके लिए मुझे इसके लिए इंस्पायर हुआ है कि मतलब कि मुझे डेटा में और घुसना है और कि जानना है कि मतलब कैसे वो चीज़ें आगे वर्क होती है, मतलब बिजनेस ऐसा एक बिजनेस मैन उस डेटा लेके कलेक्ट करके उसको आगे यूज़ करता है और उसके बेसिस पे अपना बिजनेस बढ़ रहा है, ये सब चीज़ जानने के लिए मुझे मतलब इसमें ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और मैं उस चीज़ में ज़्यादा जानने के लिए ये हो गया। ये डेफिनेटली यूजफुल है क्योंकि जो जिस तरह से मतलब इस प्लेटफॉर्म में चीज़ें बताई गई है और जिस तरह से मतलब एक कोर्स डिज़ाइन हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर एक प्रॉपरली फॉलो किया जाए जो उन्होंने दिए मतलब जैसे कि लेक्चर्स हर एक चीज़ में बताया गया है और डिटेल में बताई गई है चीज़ें, अगर हर एक चीज़ें अगर वो बंदा फॉलो कर ले प्रॉपरली और थोड़ा टाइम दे सके अपनी इस चीज़ सीखने के लिए, तो डेफिनेटली ये जो साइट है अपनी जो
इंडस्ट्रियल हेल्पिंग हैंड्स की है, जो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो डेफिनेटली यूजफुल होगा। कोई मतलब अगर बंदा नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी होगा ना, तो भी ये बंदा मतलब यूजिंग दिस वीडियोज एंड यूजिंग दिस लेक्चर्स पूरा देख के वो कवर कर सकता है डिटेल्स, और जो चीज़ें लगती है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए वो इजीली वो बंदा मतलब ग्रैब कर सकता है और इजीली उस फील्ड में घुस सकता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि तुम अगर अदर बैकग्राउंड से हो और तुमको मतलब डेटा एनालिस्ट बनना है तो तुमको सब बोलते हैं कि मतलब मैं बहुत सी जगह पे मतलब ऐसे भी चीज़ें सुना है कि मतलब उनको मोस्ट ऑफ की मतलब उनको साइंस या फिर बोलते ना इंजीनियर बंदा ही चाहिए रहता है जो डेटा एनालिस्ट लेवल पे आ जाए। बट ऐसा नहीं है कि डेटा उस बीएससी या फिर अपने को इस लेवल पे काम करना है, हमको क्या है कि मतलब एक बार तुमको एक चीज़ें मालूम पड़ गई ना डेटा एनालिस्ट में क्या होता है, तो तुम उस नॉलेज को इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपना मतलब जो भी लगता है मतलब डेटा एनालिस्ट के लिए, और इंटरव्यू में आप जो नॉलेज यूज़ करके क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि आपके जो प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ चीज़ें वो सब यूजफुल है। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है कि अगर मतलब अगर हम लोग 10 इंटरव्यू देंगे तो 10-15-20 ऐसे कितने भी इंटरव्यू देने पड़ सकते हैं, पर क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको इंजीनियर बंदा है या फिर साइंस के बैकग्राउंड से आने वाले बंदा चाहिए रहता है, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं कि हर एक इंडस्ट्री को चाहिए रहता है, इनको नॉलेज चाहिए रहता है जो हमको इस वजह से ईजिली मिल जाए। तो मुझे लगता है कि एक साइड हेल्पफुल है।